नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस पर एक रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो आई का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक कर आप हाइट एंड डिस्टेंस के बहुत एडवांस क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए रियली इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं। खाली ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हम ये देखना है कि इस तरह के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर बैठे हुए हो या खड़े हुए हो, वहाँ से आप एक छोटी बिल्डिंग को देखते हो। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ द डिप्रेशन बनता है, और नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही है, ये दोनों एक ही ग्राउंड पर होंगी, एक ही लेवल पर होंगी, है ना। एक दूसरी बिल्डिंग ही है। अब आप यहां से इस स्टोरी के टॉप को देखते हो और बॉटम को देखते हो। ये आपके पास क्या है, बॉटम है, और यहां से आप क्या देखते हो, एंगल ऑफ टॉप पर देखते हो। तो आपके पास बन कौन सा रहा है, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है कि ये एंगल क्रिएट होना, यहां से ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो आपके पास कितना है, वो है 45 डिग्री। ध्यान रखिए ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, और ये जो एंगल क्रिएट होता है टॉप पर, टॉप के लिए जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है, आप समझ लें, यहाँ पर ये चीज़ है और आप यहाँ से देख रहे हो तो इस ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, ये जो एंगल बना रही है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है ना। ध्यान रखें ये जो एंगल माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर से जब नीचे की तरफ देख रहे हो और जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो तो एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशन होता है। आप यहाँ से इसके बॉटम को देख रहे हो तब एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 डिग्री का बनना है, और यहाँ से जब इस टॉप को देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है, राइट। अब आपको ये बताना है, ध्यान रखिए इसको हम इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं करना चाहें तो, है ना, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल क्रिएट होगा, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है, और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे और दोनों बराबर होंगे, तो ये एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, राइट। ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट ये एंगल भी कितना आएगा, 45 डिग्री का रहेगा। तो एक तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों से क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। आप इसे कह सकते हो जब यहाँ से इधर देख रहा हूँ तो ये एंगल ऑफ क्या बनना है, एलिवेशन बनना है, और जब मैं इधर से इसको देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनना है। ध्यान रखना ये नहीं बनना है कहीं, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है इधर वाला, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं माना जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल 45 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, और आपको क्या गिवन है, इसमें एक बात गिवन है कि जो छोटी बिल्डिंग है ना इसकी हाइट दे रखी है आपको, कितने मीटर है, 8 मीटर। इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 8 मीटर आपको गिवन है। तब आपको बताना है कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी होगी, और साथ में आपको ये बताना है कि दो बिल्डिंग के बीच में जो है वो लेंथ कितनी होगी, ठीक है ना। आपको ये दोनों, ये जो रोड है यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, आपको ये बात भी बतानी है, ठीक है ना। बहुत अच्छा फिगर बनाने की कोशिश करिए, यदि आप फिगर बहुत अच्छा बना लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आएगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा दो राइट ट्राइंगल बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन 10th क्लास में लेवल पर क्रिएट हो रहे हैं उनमें दो राइट ट्राइंगल बनना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए आप इसको नाम दे दीजिए ए बी, ठीक है, सी डी और ई, ठीक। अब देखिए यहाँ ए बी कितना, 8 है, तो आप जान रहे हो कि ए लेंथ कितनी होगी, ये 8 होगी, आप इसे 8 कह सकते हो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो यहाँ से इस पूरे को एच मान लो या यहाँ से यहाँ तक एच मान लो। मान लेता हूँ आपने इस पूरे नंबर को एच माना, यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट को, इस बिल्डिंग की पूरी हाइट आपने एच मान ली, ठीक है, तो मुझे बता सकते हो ये हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक सर आपने पूरी एच माना है, ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो सर एच माइनस 8 हो जाएगी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको हम एक्स मान लें, ये एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी होगी, एक्स होगी। भाई ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ध्यान रखें, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो ये एक्स है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, एक्स होगी। अब देखिए दो राइट ट्राइंगल कहाँ पर बनना है, इसमें
एक राइट ट्रायंगल बनना है ए ई और सी में। अब लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए ई सी, क्या लिख सकते हो आप इसमें ये लिख सकते हो कि सर एच अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये पूरी आपने कितना माना है, ये पूरी हाइट आपने h माना है, ध्यान रखें, ये आपने क्या माना है x माना है। तो आप यहाँ से लिखोगे h अपॉन x, क्या होगा h अपॉन x, ये एंगल ले रहे हो तो इसके सामने जो साइड है क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये क्या होगा बेस होगा, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा क्या लिखेंगे, एंगल कितना है इसमें 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री आ जाएगा, और tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा x into 1, इसका मतलब है h की वैल्यू जो है किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरा राइट ट्रायंगल क्या बनना है भाई, दो राइट ट्रायंगल ही बनेंगे, उनको सॉल्व करके ही हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल आप क्या करें, इन ट्रायंगल BDC, अब जरा इस BDC में देखिए कि क्या बनना है, हमारे पास यहाँ पर यह है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है h-8 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है x है, राइट। और जरा हम इसमें देखें, यदि हम इसको ऊपर लिखें और इसको नीचे लिखें तो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सर h-8 अपॉन x, ठीक है ना भाई, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, ठीक है ना। आप ये कह देंगे ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो कितना हो जाएगा ये tan 30 डिग्री, बस में आ गई, और tan 30 वैल्यू पुट करो, तो यहाँ से लिखोगे आप h/8/x इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। जब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर हो जाएगा √3 h-8, आपके पास एक दूसरा रिलेशन ये आ गया, बस में देखिए यहाँ पर जितने भी दो राइट ट्रायंगल क्रिएट बनना है उनमें से रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, ये दो चीज़ सॉल्व करनी है। अब आप यहाँ पर ऐसा करें कि आपको क्या निकालना है, h भी निकालना है और x भी निकालना है, तो आप यहाँ पर इस x की जगह पर h पुट कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा सर h = √3h - 8, इतना हो जाएगा। इससे आगे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा h = √3h - 8 * √3, ठीक है। तो देखो इस नंबर को आप इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर लाइए तो हो जाएगा 8√3 हो जाएगा सर इक्वल टू, और इस h को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा √3h - h हो जाएगा, है ना। तो आप इसे लिख सकते हो 8√3 = h, कॉमन ले लो तो क्या लिखोगे √3 √3 - 1, इतना आएगा ना, ठीक है। और h निकालना है तो इस नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा h = हो जाएगा 8√3 √3 - 1, इतना आएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर छोड़ना थोड़ा ठीक नहीं हुआ, नीचे रूट के नंबर हैं तो इनको रिस्टाइज कर दो, है ना। रिस्टाइज करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये तो करोगे कि √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसे लिखोगे सर h = 8√3 और √3 + 1 अपॉन, एक बार ऐड हो रहा है एक बार सेपरेट हो रहा है, तो हो जाएगा सर 3 - 1, और 3 - 1 का मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आपके पास h की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2, ये हो जाएगा 4। और देखो आप √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, √3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3 + √3, इतना आ जाएगा। ध्यान रखिए नीचे 2 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टाइम आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, इस √3 का मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आया वो 4 3 + √3, चाहो तो यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो और आंसर निकल जाएगा। लेकिन सबसे बात समझने की कोशिश करें कि हमने करा क्या है, हमने एक रिलेशन ये क्रिएट करा और एक रिलेशन ये क्रिएट करा, इन दोनों को आप जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, इसके बाद तो ये कैलकुलेशन हो रही है स्टूडेंट, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री का काम, हाइट एंड डिस्टेंस का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था। अब आप देख रहे हैं कि आपने h इतना निकाल लिया है, तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर h था, इसलिए x बराबर भी कितना आएगा 4 3 + √3 आएगा, ठीक है।
ये आपका आंसर होगा। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको रियली समझ में आ गई होगी। यदि बात समझ में आ गई है तो आप ये बात अपने फ्रेंड को जरूर बताइए, उसको समझाइए कि इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। इसलिए आपकी समय बहुत अच्छे तरह आ जाएगा और हो सके तो ये बात वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर भी करिए, ठीक है। और यदि मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो लाइक बटन पर क्लिक करना मत भूलिए, और यदि नहीं समझ में आई तो डिसलाइक पर क्लिक करिए, लेकिन क्लिक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में यदि कोई प्रॉब्लम है तो जरूर लिखिए। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो मैं मान लूँगा कि आपको ये बात समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे जरूर सॉल्व करिए, उसके आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है ना। एक बार इसे आप बहुत अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसे आप 100% सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे तो 100% सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि आप यहाँ पर एक खड़े हुए हो, यहाँ पर बैठे हो और यहाँ से देखते हो दो कार हैं, एक कार यहाँ पर एक कार यहाँ पर है। इन दो कार के बीच की जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। जब आप इस कार को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ध्यान रखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर से ये जो एंगल है वो 60 डिग्री बनता है, और जब आप इस कार को देखते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, राइट। आपको बताना है कि आप जिस बिल्डिंग को बैठे हो उसकी हाइट कितनी है, बता सकते हो ना, जरूर बता सकते हो। बताइए और आंसर को पब्लिकली कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपको रियली कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके, राइट। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और डेली पढ़ाई करिए। इस साल आपका 10th बोर्ड है इसलिए डेली, ठीक है, एक घंटे मैथमेटिक्स डेली करिए और सेल्फ स्टडी, ट्यूशन को छोड़कर क्लास के अंदर जो बताया जा रहा है उसे फॉलो करिए। ज़्यादा ट्यूशन में ध्यान मत दीजिए, क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करिए, राइट। और घर पर खुद प्रैक्टिस बनाइए, इससे आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।